नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ अगर तुम वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कुतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारा फूल लगा था। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर सिर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर, पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को जब लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हट पूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल 13 है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और शाम में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, उसके घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।